और तुमसे शादी भी करेगी। क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो साले साहब हैं? तो बस गुरु मंत्र दे रहे थे उसको। पहले गुरु तो बन जाओ, बड़े आए गुरु बनने वाले। लो गुरु है कितनों के हम। विशेष बेटा, हम बाप हैं तुम्हारे और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस लड़की के लिए हमारा बेटा अपनी जान की बाजी लगा दिया हो, वही आज उसे फिर से ठुकरा दी। बेटा अच्छा होगा तुम भी उसका भूत अपने सर से उतार दो। हाँ बेटा, खत्म कर दो ये पार्टनरशिप, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हारी माँ और हम भी नहीं बचेंगे बेटा। बेटा कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते। हमारी बात बेटा ये आराम से सोचो। देखो तोड़ दो ये पार्टनरशिप, यही एक रास्ता है। रात भी काफी हो गई है, चलो अब आराम करो। हाँ जय भोलेनाथ। का हुआ सालू, यहाँ अकेले का है? माँ, बीते दो दिन में जो तूफान आया है हमारी जिंदगी में, उसे भूलने में वक्त तो लगेगा ना। हम जानते हैं बिटिया, ये तूफान तुमने अकेले ही झेला है और उसके बाद ही इतना बड़ा फैसला, उस पे डटे रहना आसान नहीं है। माँ ये जो फैसला हमने लिया है ये कहीं गलत तो नहीं है ना? आपको देखकर हमने जो कुछ भी सीखा है ना उस हिसाब से बिटिया तुमने जो फैसला लिया है ना, तुम्हारी उम्र में हम ऐसा फैसला ना ही ले पाए, लेकिन आज हमें इस बात का अफसोस नहीं है क्योंकि आज हमें अपनी बिटिया को, ऐसे बिटिया को जो इतने पक्के इरादे वाली हो, अपने सामने खड़ी देख रहे हैं। सालू, हमें नाज है तुम पर, और केवल तुम पर ही नहीं अपनी चारों बिटियाओं पर।
की थी। हमें माफ कर दीजिए दीदी, ये जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर हम उस राजवीर से पंगा नहीं लेते तो वो आपके साथ ये हरकत कभी नहीं करता। बुलबुल, जिस बात को लेकर तुमने राजवीर के साथ पंगा लिया है ना, हमें गर्व है तुम पर। और अगर तुम बीच में ना आती ना, तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और जो हमारे साथ हुआ वो एक हादसा था जो गुजर गया। फिर भी दीदी, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए हमने भी एक फैसला लिया है।